रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट देखो क्या रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट है, नेक्स्ट रिजल्ट तो अपने आप हो जाएगा, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर मैं आपको एक प्लस वन का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दूं, और वो कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल। प्लस वन में एक टॉपिक करते थे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल के अंदर हम कुछ ऐसा करते थे कि सपोज करो हमारे पास ये टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ये ग्राउंड है। सपोज करो यहाँ पर मैंने एक बॉल ली जिसको मैंने हॉरिजॉन्टली वी वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से वी से फेंक दिया। अब होता क्या है कि आपने उसको हॉरिजॉन्टल मोशन दी है, आप चाहोगे कि हॉरिजॉन्टली ही मूव करती जाए, लेकिन ग्रेविटी अपना रोल प्ले करेगी और ग्रेविटी इसे धीरे धीरे नीचे भी लेके आएगी, और ये आगे तो जाएगा जाएगा, नीचे भी आएगा, और अल्टीमेटली दोनों जो फोर्सेज हैं या दोनों की दोनों मोशंस, क्योंकि आपकी आप चाहती हो कि एक्स में मूव करे, ग्रेविटी चाहती है वाई में मूव करे, तो ये एक्स वाई प्लेन में मूव करेगी, और जो पाथ फॉलोड इसमें होगा वो क्या होगा, पैराबोला होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और इसके अंदर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर ये पैराबोला है तो मान लो इसने वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर किया वाई, और एक्स एक्सिस में कितना कवर किया एक्स। तो जब भी कोई ये प्रोजेक्टाइल आगे जाएगा तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो इसलिए वेलोसिटी की वैल्यू हॉरिजॉन्टल में हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। याद है स्पीड चेंज नहीं होती एक्स एक्सिस में, लेकिन वाई एक्सिस में क्योंकि आपने इनिशियली इसको एक्स में फेंका था तो वाई एक्सिस में इसकी वैल्यू क्या है, जीरो। तो वाई एक्सिस में इसको इनिशियली फेंका नहीं गया था, तो वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, और फिर धीरे 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 नीचे आते 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 इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज इंक्रीज। ऐसे ही था, क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि वाई एक्सिस में क्या प्रेजेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें से इसमें अच्छा तो क्लियर है यहां तक। तो मान लो कोई बॉडी यहां से आती है कितने टाइम में, टी टाइम में, ठीक है, तो टी टाइम में बॉडी नीचे आ रही है एंड कवरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो अलोंग एक्स एक्सिस वी की वैल्यू, वी वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी। तो एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो टी की वैल्यू क्या आती थी, एक्स बाई वी, ऐसे किया था। और उसी तरीके से अगर y एक्सिस की बात करते हैं तो y एक्सिस के अंदर हम अप्लाई करते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज y इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आप टाइम की जगह यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हो, a की जगह g और टाइम की जगह x अपॉन v, ऐसे ही होगा। और हमने याद है क्या किया था, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर और पाथ फॉलोड बाई प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, ऐसा कुछ किया करते थे लास्ट ईयर, ऐसा ही था, ठीक है। तो मेन बात है कि आप कौन सी इक्वेशन एक्स में अप्लाई कर रहे हैं, कौन सी इक्वेशन वाई में अप्लाई कर रहे हैं, तो कैसे अप्लाई करनी है, ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में एक्स में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वाई में चेंज होती है। तो वाई में लगेगी एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स में वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो क्या लगेगा, एक्स इज इक्वल टू वी टी, राइट। अब हम आते हैं अपनी इस प्रॉब्लम पे, ठीक है। अब जो ये तो सिर्फ पुराना रिवाइज करवा रहा हूँ, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको नोट भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ किया। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज करो, लेट अस सपोज आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ई ई वाई एक्सिस। मान लो एक इलेक्ट्रॉन आता है, और एक इलेक्ट्रॉन कैसे आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव करता हुआ आ रहा है और एंटर करता है इस परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, और पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल गया, एक पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है, इलेक्ट्रॉन नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है।
तो मैंने इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट किया। अब मैं ये चाहूँगा कि हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर जाए, ऐसा होगा नहीं ना, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज पार्टिकल क्या होगा, क्यू ई, और डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, अपवर्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो पॉजिटिव चार्ज जैसे ही एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन ऊपर डायरेक्शन अपवर्ड्स। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई बाय एम, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड्स, तो एक्सेलरेशन एक्ट करेगी ऊपर की तरफ। अब आप ये चाहते हो कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो सीधा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है उसे ऊपर खींच रहा है, तो अब ये सीधा भी जाएगा और ऊपर भी जाएगा, तो कुछ कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हो रहा, तो यानी कि सीधा भी जाएगा ऊपर भी जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या फॉलो करेगा, पैराबोलिक पाथ। ये तो बिल्कुल प्रोजेक्टाइल की डेरिवेशन हो गई ना, सेम टू सेम, तो पॉइंट क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से मूव करेगा सच दैट इसने वाई एक्सिस में वाई डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, एक्स में एक्स कवर कर ली, कितने टाइम में, टी टाइम में। क्लियर है यहां तक? तो वाई एक्सिस में इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो वाई एक्सिस में इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो और एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं अलोंग एक्स एक्सिस की बात करता हूं तो एक्स एक्सिस में यू कैन अप्लाई एक्स इज इक्वल टू वी इंटू टी, तो टी इज इक्वल टू एक्स बाई वी, ऐसा इसलिए क्योंकि एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट। एंड अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस वाई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी की क्या थी, जीरो, हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, क्यू ई बाय एम इंटू टाइम, टाइम कितना है, एक्स बाय वी का स्क्वायर। तो वाई इज इक्वल टू हाफ इंटू क्यू ई बाय एम इंटू एक्स स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं, तो y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो पाथ फॉलोड बाय अ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक इन नेचर। तो एक शॉर्टकट रिजल्ट याद हो गया हमें, क्या रिजल्ट याद हुआ, कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है विद द वेलोसिटी ऑफ v, तो वो स्ट्रेट जा नहीं पाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इन कैसा, पैराबोलिक शेप। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये रिजल्ट है और ये रिजल्ट का प्रूफ है, आपकी शीट में ये लिखा हुआ है, ये देखो, व्हेन क्यू चार्ज एंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन परपेंडिकुलरली, तो क्यू चार्ज एंटर करता है परपेंडिकुलरली, द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैराबोलिक। तो मैंने लिखा इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, वी, एक्स एंड वाई क्लियर है, तो मैंने इसमें क्या लिखा, एक्सेलरेशन क्या है, क्यू बाय एम, y एक्सिस में इक्वेशन क्या अप्लाई की, y इज इक्वल टू जीरो प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर, x एक्सिस में क्या अप्लाई की, x इज इक्वल टू वी टी, इस टाइम को नीचे से ऊपर पुट कर दिया, और y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो पाथ फॉलोड इस पैराबोलिक इन नेचर। तो रिजल्ट याद भी हो गया और डराइव भी पता भी नहीं लगा, ड्राइव हो गया, तो डेरिवेशन क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेरिवेशन तो अपने आप ही बनती जा रही है, चाहे एक्सियल हो, चाहे इक्वेटोरियल हो, चाहे एनी पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, तो डेरिवेशन कुछ नहीं है, ये अपने आप ही बनती जाएंगी अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, रिजल्ट भी याद रहेगा, ठीक, रिजल्ट काम आएगा आपके, ठीक। सो ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है?